press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चिली गार्लिक प्रॉन्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए ये मीडियम साइज के झींगे, 250 ग्राम्स इनका वेट है। अगर ऐसे हम काउंट करेंगे तो 30 से 35 ये मीडियम साइज के प्रॉन्स है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज करेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा और 1 अंडा हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इन प्रॉन्स को हमने डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल यहाँ पर मैंने गर्म होने रख दिया है। इसको मिक्स करके अब हम डीप फ्राई करेंगे। एक एक प्रॉन उठा के मैं इसमें डालती जाऊंगी। क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इनको दोनों साइड से पकाया है। अब मैं इसको किचन टॉवल के ऊपर निकाल लूंगी। फ्राई किए हुए प्रॉन्स अब हम एक साइड पे रख देते हैं और आ जाते हैं इसकी ग्रेवी की तरफ। इसकी एक सेमी सॉलिड सी ग्रेवी बनेगी, लिक्विड, एक ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होगी, कम में सा थोड़ा सा मसाला होगा इसमें। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, जो हमने प्रॉन्स फ्राई किए थे उसी में से ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च चॉप करके। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 30 सेकेंड्स तक हम इसको स्टर करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँ ये चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट 2 टेबलस्पून, इसको भी हल्का सा सॉटे करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँ 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैं डाल दूँ इसमें स्वीट और चिली सॉस, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल दूँ 1 प्याज, इसको ऐसा मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और 1 कैप्सिकम, इसको भी ऐसे मोटा क्यूब्स में काटा हुआ है, इसको डाल के मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँ कॉर्न स्टार्च, ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने 2 टेबलस्पून पानी के साथ में मिक्स करके ये स्टार्च कॉर्न स्टार्च बनाया हुआ, इसको मैं इसमें डाल दूँ। इसको भी मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें थोड़ा और पानी भी डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं इसमें डाल देती हूँ हमारे फ्राई किए हुए प्रॉन्स, तो हम अच्छी तरह से मिक्स करें। अब मैं इसमें डाल दूँ थोड़ा सा नमक,
और ये हमारा स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स फाइनली चॉप्ड। चिली गार्लिक प्रॉन्स अब हमारे रेडी है, फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप भी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स विद शर्मी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिली गार्लिक प्रॉन्स। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये भी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिली गार्लिक प्रॉन्स।